नमश्चन्द्रिकायै मार्कण्डेय उवाच। क्या आपको मालूम है कि देवी दुर्गा के नौ अवतारों की पूजने से कौन कौन से फल आपको मिलते हैं? अब मान लीजिए कि आप रोग से पीड़ित हैं और आप पूजा कर रहे हैं देवी के उस रूप की जिनको पूजने से भय से मुक्ति मिलेगी, तो फिर भला बताइए आप शरीर के कष्टों से कैसे छुटकारा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं आने वाले शारदीय नवरात्रि में जो बुराई का प्रतीक है, जो आतंक का प्रतीक है महिषासुर, क्या वास्तव में जन्म से राक्षस था? इस प्रश्न का उत्तर हम इस पोस्ट में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सनातनी साधकों, आपका यूपी नाउ चैनल के आध्यात्मिक प्रयाग खंड में स्वागत है। शारदीय नवरात्रि बस अब दस्तक दे रही है, हमें उसके बारे में अब जानने का वक्त है, इसलिए आज हम बात करेंगे इसी शारदीय नवरात्रि की। घट स्थापना के मुहूर्त से लेकर किस देवी की पूजा किस दिन होती है के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि 2024 का पर्व 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह 9 दिनों का त्यौहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए और आराधना करने के लिए होता है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। पहला दिन शारदीय नवरात्रि 2024 का प्रतिपदा 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। इस दिन कलश की स्थापना की जाएगी, जिसका मुहूर्त है प्रातः 6:17 से 7:44 तक, और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह देवी दुर्गा का पहला रूप है। इसे नंदी पर सवार और हाथों में त्रिशूल और कमल लिए हुए चित्रित किया जाता है। इन्हें शक्ति, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन शैलपुत्री ने महिषासुर की सेना पर हमला किया, जो हाथी और घोड़े के रूप में आक्रमण कर रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर की सेना के एक बड़े हिस्से का विनाश किया। 4 अक्टूबर के दिन द्वितीया है, जो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का पालन करने वाली। यह देवी तप और संयम की देवी है। इनके हाथ में एक माला और एक कमंडल होता है। युद्ध के दूसरे दिन महिषासुर ने अपनी माया से बड़े पहाड़ों का रूप धारण कर दिया। माँ ब्रह्मचारिणी के तप और धैर्य से उत्पन्न शक्ति के कारण पहाड़ और महिषासुर की चालाकी नष्ट हो गई। इनकी पूजा से भक्त को तप, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा का दिन है। माँ चंद्रघंटा को उनके मस्तक पर आधे चंद्रमा के कारण यह नाम मिला हुआ है। यह रूप शांति, सौम्यता और शक्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया, तो माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में सिंह रूपी महिषासुर से भिड़ते हुए उसे कमजोर कर दिया। इनकी पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति और विजय प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा, इनकी पूजा चतुर्थी को होती है और जो इस बार 6 अक्टूबर को पड़ रही है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। यह माँ ब्रह्मांड को अपनी हंसी से उत्पन्न करती हैं। उनके 8 हाथ होते हैं और वे सिंह पर सवार रहती हैं। चौथे दिन महिषासुर ने बड़े गरुण का रूप धारण किया। माँ कूष्मांडा, जिनकी हंसी से ब्रह्मांड की रचना होती है, ने अपने दिव्य शक्तियों से इस रूप को पराजित कर दिया। इनकी पूजा से आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। पोष की शुरुआत में हमने जो एक प्रश्न आपसे पूछा था, उसका उत्तर देवी कूष्मांडा की पूजा है। अगर आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं और साथ में समृद्धि भी पाना चाहते हैं, तो माँ कूष्मांडा की आराधना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। पंचमी के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। पांचवा दिन महिषासुर ने शेर का रूप धारण किया और फिर देवी पर हमला किया। माँ स्कंद माता, जो अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय के साथ युद्ध क्षेत्र में थी, ने इस शेर
रूपी महिषासुर को परास्त कर दिया। इनकी पूजा से भक्त को सुरक्षा और शांति मिलती है। छठवां दिन माँ कात्यायनी का है। छठे दिन युद्ध में महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया। माँ कात्यायनी जो महान योद्धा देवी हैं, ने इस हाथी रूपी महिषासुर को अपने तलवार से निपटा दिया। कात्यायनी देवी का जन्म ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। यह देवी युद्ध और शक्तियों की देवी है। इनकी पूजा से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। किसी युवक या युवती की विवाह में यदि बाधा आ रही है तो उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी ही आपके विवाह में आने वाली बाधाओं को समाप्त करती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। सातवें दिन युद्ध में महिषासुर ने अपने सबसे भयानक रूप भैंसा को धारण किया। माँ कालरात्रि जो अज्ञानता और अंधकार का नाश करती हैं, ने अपने शक्तिशाली उपस्थिति से महिषासुर की माया को नष्ट कर दिया और उसे न केवल नष्ट किया बल्कि उसका भारी नुकसान भी पहुंचाया। कालरात्रि का स्वरूप भयावह और उग्र है, लेकिन ये अपने भक्तों को भय से मुक्त करती है। यह देवी अज्ञानता का नाश करने वाली और संकटों का हरण करने वाली है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। आठवां दिन माँ महागौरी का दिन है। नौ दिनों तक चले युद्ध में आठवें दिन महिषासुर ने पुनः अपने भैंसा रूप को धारण कर देवी पर हमला किया, लेकिन माँ महागौरी ने अपने त्रिशूल और शांत शक्ति से उसे कमजोर कर दिया और युद्ध का अंत निकट ला दिया। महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर और श्वेत वर्ण का है। यह देवी शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त को मन की पवित्रता और पापों से मुक्ति मिलती है। नौवें दिन माँ सिद्धदात्री का दिन है। युद्ध के नौवें दिन महिषासुर ने अपनी अंतिम चाल में विभिन्न रूपों को धारण किया और देवी पर लगातार आक्रमण करता रहा, लेकिन अंततः माँ सिद्धदात्री ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर महिषासुर का वध किया। महिषासुर के भैंसा रूप को अपने त्रिशूल से छेद कर उन्होंने अंततः उसका नाश कर दिया। इसी रूप को आप अपने आसपास के पंडालों में या देश के नामी पंडालों में दुर्गा देवी के पूजा के समय लगने वाले पंडालों में देखते हैं। सिद्धदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। अगर आपको सिद्धियां चाहिए, किसी भी प्रकार की सिद्धियां चाहिए, तो माँ सिद्धदात्री को अपनी आराध्य देवी बनाइए, इनकी पूजा कीजिए, इनकी आराधना कीजिए, इनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, आपको आपकी मनचाही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इनकी पूजा से भक्त को अलौकिक शक्तियां और दिव्यता की प्राप्ति होती है। महिषासुर की माया और सभी रूपों को समाप्त करते हुए देवी ने अंततः उसका वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय हुई, जिसे हम भारत में विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। यह रूपक देवी के विभिन्न शक्तियों और रूपों द्वारा बुराई का अंत करने का प्रतीक है। हर देवी का रूप एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो महिषासुर के विभिन्न रूपों को समाप्त करने के लिए आवश्यक था। और अंत में आपको बताते हैं उस प्रश्न का उत्तर जो आपसे शुरू में हमने पूछा था। महिषासुर दरअसल जन्म से असुर नहीं था। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता और रंभ का पुत्र था। यानी वह जन्म से राक्षस नहीं था, पर अपने कर्मों के कारण एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाने लगा, जो आकार बदलकर बुरे कार्य करता था। दोस्तों, साधकों, सनातनी साधकों, अगर आपको पोस्ट में दी गई जानकारी बेहतर और अच्छी लगी हो तो कृपया अपना लाइक इस पोस्ट को दे दें, इसे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो विनम्र अनुरोध है, चैनल के सदस्य बन जाएं और अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करें।